दोस्तों थाइज का कंप्लीट वर्कआउट इस वीडियो में दिखाया है, लेकिन जैसे वारूट दिखाया है ये मैंने, इसको तो आपने करना ही करना है हर लेग से वर्कआउट में। 10 से 15 मिनट इस पर लगा के सबसे पहले मैंने किया बारबेल स्क्वाट, कोई 4 सेट 8 से 12 रैप रहेंगे सब में। बारबेल स्क्वाट कंप्लीट करने के बाद लेग प्रेस हैवी वेट से 8 से 12 रैप, फिर लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन इतना ही काम है कि आपका लोअर बैक को रेस्ट थोड़ा मिल जाए और आपका क्वाड्स फुल पंप रहे, एक्टिव रहे, बस इससे ज़्यादा इसका कोई खास काम नहीं है। इसके बाद फ्रंट स्क्वाट, क्योंकि अगर मैं लेग प्रेस और स्क्वाट के तुरंत बाद फ्रंट स्क्वाट करता लोअर बैक ऑलरेडी मेरी लोड में है तो उतना हो नहीं पाता फिर अच्छे, इसलिए बीच में मैंने एक आइसोलेशन एक्सरसाइज डाल दिया लेग एक्सरसाइज। फ्रंट स्क्वाट अब 4 एक्सरसाइज मेरी क्वाड्स की होगी, 2 एक्सरसाइज मैंने करी लेग कल 12 से 16 है हैमस्ट्रिंग के लिए और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, ये भी आपको करने 4 सेट 8 से 12 है और ये कम्प्लीट। इसी ऑर्डर में आपने एक्सरसाइज करना है, जब भी ऑर्डर चेंज करना होगा मैं सेकेंड वीडियो डाल दूंगा। अभी आप मेरे को फॉलो करते रहें अपने वर्कआउट के लिए, सेम ऑर्डर अगर पॉसिबल है तो आप इसी ऑर्डर में करें। आप फ्रंट स्क्वाट नहीं लगा पाते आप एक्सपर्ट कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। थैंक यू।